Hi, welcome to the next lecture on applications of derivatives. Today we will be discussing increasing and decreasing functions. Okay, so have a look at this diagram. यहाँ पे मैंने पहले से कलर कोड करके रखा है. कलर कोड करके रखा है यानी अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो एक कर्व का पार्ट ब्लूइंग से है और एक कर्व का पार्ट रेड इंक से है एंड लास्टली वन इज विथ ब्लैक इंक. सो द ब्लू पार्ट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज इंक्रीजिंग फंक्शन. देखो यहां पे जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होते जा रही. अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑब्जर्व दैट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग. ये एक ग्राफिकल प्लॉट है. सपोज अपन बोलते हैं कि वी कंसिडर दिस एज वाई एक्सिस, राइट, एंड वी कंसिडर दिस एज एक्स एक्सिस. तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन वाला पार्ट है वो सिर्फ एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा दैट ये जो वैल्यूज है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे रहते हैं. दिस इज सपोज एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन. नाउ we know that in increasing function, see just observe, x2 will be greater than x1. Number line पे आप आगे अगर जाओगे तो x2 की value ये x1 से ज़्यादा रहने वाली है ना, because x2 is next to x1, but it is in front of x1. तो यानी बोलने का मतलब ये है कि x2 greater than x1 रहेगा. अगर correspondingly अपन y axis पे ये values देखते हैं तो correspondingly y axis पे ये आएगा x1 के correspondingly y1 और ये आएगा y2. तो आप ये ऑब्जर्व करो कि y2 ग्रेटर देन y1 है. सो इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी ये रहती है दैट इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन y2 इज ग्रेटर देन y1 मींस f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1. जैसे x के वैल्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे करस्पोंडिंगली y के वैल्यूज भी बढ़ते जाएंगे. दिस इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिक्रीजिंग फंक्शन. थोड़ा समझ में आ जाता है, स्टार्टिंग में अजीब लगता है बट इनफैक्ट द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, यानी बहुत इजीली अपन समझ लेते हैं इसको. एक सेकेंड के लिए यहाँ देखो भी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट वी कॉल एज डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ द डिक्रीजिंग फंक्शन इज डिनोटेड बाय रेड इंक इन द कर्व. अब अगर आप फिर से ऑब्जर्व करते हो दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड. तो यहां से यहां तक के कर्व का डिक्रीजिंग पार्ट आ गया. देखो नीचे जा रही है वाई की वैल्यू, यहां से यहां तक के भी ये भी एक डिक्रीजिंग पार्ट आ चुका है. सो दीज वैल्यूज आर डिक्रीजिंग. अगेन आई विल कंसिडर द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, राइट, ओके. अब इसमें अपन फिर से एक बार ऐसे वैल्यूज लेते हैं जैसे कि एक्स वन एक्स टू एंड वन. अगेन दीज आर नोटेशंस तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर लास्ट टाइम भी तो वही वैल्यू लिए थे, जस्ट नोटेशन एक्स वन एक्स टू. अब करस्पॉन्डिंगली यहाँ की वैल्यूज देखो, एक्स वन के करस्पॉन्डिंगली वाई वन है और एक्स टू के करस्पॉन्डिंगली वाई टू है, बराबर. नाउ एज यू नो एक्स एक्सिस एक आगे जाने वाला रहने वाला है, एक्स एक्सिस जस्ट मूव्स इन फ्रंट, तो ये तो आगे बढ़ने वाला. एक्स टू ये ग्रेटर देन एक्स वन आने वाला, x2 is greater than x1. But have a look at the relationship between y1 and y2. All right, y2 and y1, see who is greater. y1 is greater than y2. Upar hai na y axis pe. To ye aisa aa jata hai. Means, what is y2? It is nothing but f of x2. And that is supposed to be less than f of x1. To ye dekho, ye property decreasing function ki aa gayi. And this is for increasing function. So x2 greater than x1, f of x2 is less than f of x1. This is for decreasing function. And f of x2 is greater than f of x1. This is for increasing function. अब बात करते हैं ये काली इंक के बारे में. तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है. दिस इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट फंक्शन. कॉन्स्टेंट फंक्शन का फंडा क्या रहता है?
दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वन और एक्स टू, सपोज एक्स वन ये यहाँ मार्क किया अपन ने और एक्स टू ये इधर मार्क किया, तो भी अपन क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. सो वॉट इज द रिप्रेजेंटेशन इन रेडिंग? इट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग फंक्शन. फॉर ब्लूइंग इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड फॉर द ब्लैकिंग इट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या रहता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या रहता है. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू सी इज द टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ये क्या फंडा है, एक मिनट अपन आगे पहुंच गए. तो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मींस, अब मैंने तो आपको बता दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या रहता और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या रहता, लेकिन इसकी एप्लीकेशन ये कैसे देखना डिफरेंशिएशन में. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ सब टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी इजी मैनर. बाय द वे आपने जो यहाँ पे देखा था ना, इधर यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी था डिक्रीजिंग भी था, फिर इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग था फिर कॉन्स्टेंट हुआ. ओके, सो एक सिर्फ इतना ही फंक्शन मैंने बनाया, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो अब यहां पे देखो कि यहां पे डिक्रीज कभी होता ही नहीं, सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है. आई एम गोइंग टू कंसिडर टू वैल्यूज एक्स वन एक्स टू, करस्पॉन्डिंगली आई गेट वाई वन एंड वाई टू. सपोज यू थिंक दैट एक्स वन इज वेरी क्लोज टू एक्स टू इन सच अ वे दैट एक्स टू माइनस एक्स वन टेंड्स टू जीरो. ओके, दोनों बहुत ही पास में. अब डी वाई बाई डी एक्स वाली डेफिनेशन याद करो तो क्या रहती, डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, बराबर. अब एक्स टू माइनस एक्स वन तो पॉजिटिव रहने वाला क्योंकि एक्स टू ये एक्स वन से आगे है. वाई टू और वाई वन में देखो तो वाई टू ये वाई वन के ऊपर है, मीन्स वाई टू इज ग्रेटर दैन वाई वन, सो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, हेंस आई कैन से दैट डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, एंड दिस हैपन्स फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली. अब और एक सिनेरियो कंसिडर करो जिसमें मैंने फंक्शन को ऐसा बनाया. अब ये कौन सा फंक्शन हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. अगेन आई विल अज्यूम टू वैल्यूज एक्स वन एंड एक्स टू, ओके, सच दैट एक्स वन एंड एक्स टू आर वेरी क्लोज टू इच अदर एंड एक्स टू माइनस एक्स वन नियरली टेंड्स टू जीरो, ठीक है. लेकिन करस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज देखो तो सो एक्स वन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वाई वन और एक्स टू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वाई टू. अब मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है फिर से, वट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज ऑलवेज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. तो वाई टू माइनस वाई वन क्या रहने वाला है, वाई टू माइनस वाई वन इज नाउ ऑब्जर्व यहाँ पे क्या है, देखो इधर तो वाई टू ग्रेटर देन वाई वन था लेकिन यहाँ पे वाई वन इज ग्रेटर देन वाई टू, यानी आप लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी ये निगेटिव आएगा ना अपॉन ये आने वाला है पॉजिटिव, मीन्स योर ओवरऑल रिजल्ट इज निगेटिव. इट मीन्स दैट डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो एंड दिस हैपन्स फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस. सो एओडी का काम क्या है, यानी डेरिवेटिव्स का काम क्या है, इसमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, जहाँ ग्रेटर देन जीरो है वहाँ इंक्रीजिंग पार्ट है, जहाँ लेस देन जीरो है वहाँ डिक्रीजिंग पार्ट है. तो अपनी पुरानी कर्व एक बार देखो, इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक के डी वाई बाई डी एक्स है ग्रेटर देन जीरो, हियर डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, हियर डी वाई बाई डी एक्स इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, हियर डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, एंड व्हाट अबाउट दिस, हियर डी वाई बाई डी एक्स सम ऑफ यू हैव थॉट इट करेक्टली इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो. कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो रहने वाला, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. हाँ चलो, ओके नाउ, सो आई हैव नाउ डिस्कस्ड द टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, अब एक फंडा कंसिडर कर लो, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं. सिर्फ एक पार्ट ऐसा, एक इंक्रीजिंग है फंक्शन, करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज मैंने मार्क की x1
और x2। अब यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी y1 एंड दिस इज गोइंग टू बी y2। दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं दैट इंक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोलते हैं सपोज, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। सो आई कैन से दैट x2 हियर इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड आई नो दैट y2 इज ग्रेटर देन y1, है ना, y2 इज ग्रेटर देन y1। ये कंसेप्ट पहले से सीख चुके हैं, मुझे सिर्फ आपको यहाँ बताना है y2 को अपन रिप्लेस करेंगे f ऑफ x2, ये पहले भी मैं लिख चुका हूँ, एंड दैट इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। नाउ यू ऑब्जर्व दिस रिजल्ट एंड यू ऑब्जर्व दिस रिजल्ट। ओरिजिनली था x2 इज ग्रेटर देन x1। नाउ इफ आई अप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ आई अप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन f टू बोथ साइड्स, तो मुझे यहाँ मिल रहा है f ऑफ x2 और इधर मिल रहा है f ऑफ x1। और फिर भी मुझे तो पता ही है कि ये ग्रेटर रहता है इससे, यानी ये रिजल्ट अपने को मिल गया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू अप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन f टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। f अगर दोनों साइड पर अप्लाई किया, f इंक्रीजिंग था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। एक एग्जाम्पल यहाँ कंसिडर करो, ये अभी डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये है x1 एंड दिस इज x2, करस्पॉन्डिंगली दिस इज y1 एंड दिस इज y2। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। एक्स एक्सिस जनरली ऐसी इंडिपेंडेंट फंक्शन रहता है, वो आगे बहते जाने वाला पानी की तरह। x2 इज ग्रेटर देन x1 बट y1 इज लेस देन, सॉरी y1 इज ग्रेटर देन y2, यानी y2 इज लेस देन y1 हुआ कि नहीं, है ना, इसका भूंगे का मुंह इधर खुला है। y2 इज लेस देन y1, सो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 आ जाएगा। अब अगर मुझे ये लिखना है तो ये ऑब्जर्व करो, ये अपना f ऑफ x था, डिक्रीजिंग फंक्शन f ऑफ x ना, सो नाउ f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मुझे काम करना है कि मुझे फिर से कंसिडर करना है x2 इज ग्रेटर देन x1। अब मैं अप्लाई करूंगा डिक्रीजिंग फंक्शन f टू बोथ साइड्स, अब f ऑफ x2 आ जाएगा और यहाँ आएगा f ऑफ x1। अब बताओ मुझे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर है y1, यानी ग्रेटर है y1, यानी ग्रेटर है f ऑफ x1। y इक्वल टू f ऑफ x1 है यार, y इक्वल टू f ऑफ x रहता ना, तो y1 ग्रेटर देन y2 है, यानी f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो ये ऐसा आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू इज, ये देखो इनइक्वालिटी साइन, ये हो गई रिवर्स। सो इफ f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन एंड यू अप्लाई डिक्रीजिंग फंक्शन f टू बोथ साइड्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लगाया तो साइन रिमेन्स सेम, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लगाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया, ये शॉर्टकट प्रोसेस है, ओके, ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये थोड़ा सा MHCET JEE के लिए ज्यादा काम में आता है। इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट बताया वो स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड के काम में आता है, ये पिछले स्लाइड्स ये स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड वाले हैं और ये MHCET JEE वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक्चुअली शॉर्टकट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अभी आपके पास में एक दिया हुआ है कि एक फंक्शन f है जो इंक्रीजिंग है, एक फंक्शन g है जो डिक्रीजिंग है, तो आपको पूछा है व्हाट विल बी g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, कंपोजिशन ऑफ g एंड f, इसको लिखते हैं g सर्कल f, आपने पढ़ा है ये पहले से। तो अब अगर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्वेश्चन दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करते बैठे फिर सॉल्व किया तो बहुत लंबा जाता है, इसके पास इसके लिए अपने पास में एक शॉर्टकट है, ऐसा लिख सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हमेशा रहने वाला है। अब x के साथ पहले कौन एसोसिएटेड है, f, तो f फंक्शन लगा दो, यानी यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x2 और यहाँ आएगा f ऑफ x1। अब कौन बड़ा है, देखो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से इंक्रीजिंग में f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 रहता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम फॉर इंक्रीजिंग। नाउ अप्लाई डिक्रीजिंग फंक्शन g टू बोथ साइड्स, यानी यहाँ आ गया g ऑफ f ऑफ x2 और यहाँ आ गया g ऑफ f ऑफ x1। अब मैंने आपको फंडा पहले से बताया हुआ है,
दैट व्हेन यू अप्लाई डिक्रीजिंग फंक्शन टू बोथ साइड्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज ऑलवेज रिवर्स्ड, यानी ये उल्टी हो जाएगी, यानी ऐसा आ जाएगा, अब एक्स वन पे वैल्यू एक्स टू से ज्यादा है, एक्स वन पे वैल्यू एक्स टू से ज्यादा है, यानी फंक्शन का नेचर हो गया डिक्रीजिंग. सो दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, एक थोड़ा सा लंबा जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक के, और आप लोग इसको रिवर्स भी जा सकते हो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर सम स्पेस टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वंस अगेन. कि मैं एक दो एग्जांपल्स ले देता हूँ यहाँ पे, एकदम आड़े तेड़े एग्जांपल लेते हैं. तो आपको दिया हुआ है दैट से एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, g is a decreasing function and h is a decreasing function. Okay, and you have to find g of f of h of x. मजा आ गई. सो यानी अपने को क्या निकालना है, g circle f circle h. तो अभी अपन पहले स्टेप में क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दैट अरे कहाँ गया, हाँ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. That x2 is greater than x1, ये पत्थर की लकीर है, ये आने वाला हर बार. अब सबसे पहले कौन एसोसिएटेड है, h, x के साथ में h एसोसिएटेड है. h का नेचर क्या है, डिक्रीजिंग. जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हो दोनों साइड पे, इनइक्वालिटी साइन क्या होती है बताओ, सोचो, याद करो, इट ऑलवेज रिवर्सेस, यानी ऐसा आ जाएगा ना अपने पास में. अब अपन लगाएंगे f फंक्शन, क्योंकि h के बाद में f फंक्शन आता है. तो f फंक्शन लगाया, f का नेचर क्या है, देखो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या रहता है, साइन रिमेन सेम, यानी अपने को मिलेगा f ऑफ h ऑफ x2, ये रिमेन सेम है, इसको उल्टा नहीं करना, इज लेस देन f ऑफ h ऑफ x1, जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन लगाया अपन ने. अब लगाओ फंक्शन g टू बोथ साइड्स. अब g फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से क्या होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी रिवर्स्ड. So you will get this in this form. क्या है रही है? हाँ, is greater than g of f of h of x1. एक, दो, तीन, चार आ गया था यहाँ पे, एक additional दिखा, ठीक है. Okay, now have a look at this. The value at x2 for the function is greater than value at x1. x2 पे value x1 से ज़्यादा है, ऐसा कहाँ होता है? It happens in increasing function. So this is an increasing function. Concept शायद समझ में आ रहा हो, क्लासरूम रहती है और मजा ही रहती है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने का बेस्ट वे से. सो रिमेंबर, इफ यू अप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन टू बोथ साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. इफ यू अप्लाई डिक्रीजिंग फंक्शन टू बोथ साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. ओके, रिमेंबर दिस, राइट. इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो पुराना पोर्शन, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप और एक बार उसको व्यू करो और साथ में नोट्स बनाओ, क्योंकि जितनी बढ़िया नोट्स आप बनाओगे उतना अच्छे से आपको ध्यान में आएगा. वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है समझने के लिए. इफ एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. इफ एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स. सिंपल, बहुत इजी कंसेप्ट है. ओके, नाउ दिस इज फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, यानी जो नॉन जेई वाले हैं उनको इनइक्वालिटी सॉल्व करने का फंडा नहीं पता, और जो जेई वाले उनके लिए रिवीजन हो जाएगी. तो सपोज अपने सामने एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, या ऐसा एक्स माइनस फाइव टू द पावर सेवन. और यहाँ पे भी अपन एक टर्म लिख ही लेते ना, यानी क्या चिंता, एक्स माइनस एट टू द पावर सिक्स. ओके, सो एल्गोरिथम है, यानी स्टेप वाइज मेथड रहनी चाहिए. स्टेप वन शुड ऑलवेज बी, ये अपना प्रॉब्लम है, स्टेप वन शुड ऑलवेज बी
कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स में उसको कन्वर्ट करना सबसे पहले। लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ना, इसको रखना x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसको रखना x माइनस कितना, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन x माइनस एट टू द पावर सिक्स को वैसे ही रखना। मैं आपको बताता हूँ क्यों रीजन, x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर सिक्स, ओके, एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो। स्टेप टू, इग्नोर इवन पावर टर्म्स, और जो ऑड पावर है, और जो ऑड पावर है, कन्वर्ट ऑड पावर टर्म्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इंटू इवन पावर, यानी क्यूब है तो क्यूब को लिखना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इवन पावर टर्म एंड लीनियर पावर टर्म, ये देख लो इवन पावर टर्म एंड लीनियर पावर टर्म। और जो इवन पावर टर्म है उसको कुछ भी नहीं करना, इवन पावर टर्म को कुछ भी नहीं करना, ये एक्स माइनस एट टू द पावर सिक्स को कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप थ्री, डिस्कार्ड इवन पावर टर्म्स। तो जैसे ये डिस्कार्ड, डिस्कार्ड और डिस्कार्ड, ठीक है। अब डिस्कार्ड करने के बाद में स्टेप फोर, ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स। ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, कैसे आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स तब आते हैं जब आप हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू जीरो करते हो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो एक आएगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो पे टू आएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पे थ्री आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो पे फाइव आएगा, यानी चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। स्टेप फाइव, प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, माइनस इंफिनिटी, फिर आएगा जीरो, फिर आएगा टू, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा फाइव, और लास्टली आएगा प्लस इंफिनिटी। स्टेप सिक्स, मार्क रीजन एज अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव, राइट मोस्ट रीजन से स्टार्ट करना। अरे कहा ज्यादा बढ़ गया यार साइज में, एक सेकंड। हाँ, राइट मोस्ट रीजन को पॉजिटिव से मार्क करना, फिर अल्टरनेटली निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा मार्क करना। अब इनइक्वालिटी देखना, और इनइक्वालिटी अपने को चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। विच टर्म्स आर ग्रेटर देन जीरो? पॉजिटिव टर्म्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो पॉजिटिव टर्म्स को मार्क करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव रीजंस को मार्क करना है। फाइनली सॉल्यूशन में बोलना x बिलोंग्स टू, फिर फाइनल आंसर लिखना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन और कौन सा रीजन था, टू टू थ्री, यूनियन और कौन सा रीजन था, फाइव टू इन्फिनिटी। तो अगर अभी आप लोगों को एल्गोरिदम समझ में आ गए हो तो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आसान है, ऐसे मैंने तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यूज किया था, उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो स्टेप वन में हर बार एफ ऑफ एक्स को लिखना एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 7, इसको कर देना डिफरेंशिएट, और आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस
24। फिर इसमें से 3 कॉमन निकाल के इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। फिर इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना, एक्स माइनस 2√2, एक्स प्लस 2√2। अब यहां लिखना फॉर इंक्रीजिंग, पहले बोला ना उसने इंक्रीजिंग, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इसमें कि एक्स की वैल्यू निकालो जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या टेस्ट रहती है, अपने को पता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 रहता ना। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इज ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन 0 रहता है, लेकिन अपना एल्गोरिदम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए आंसर देता है। कैसे देखो, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गए। क्रिटिकल पॉइंट पहला है -2√2, दूसरा है +2√2, सो -2√2 एंड +2√2, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब अपने को पहले पार्ट में चाहिए दैट फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव पार्ट चाहिए, यानी ये पार्ट आ जाएगा और साथ में ये पार्ट आ जाएगा। अब अगर मैंने लिखना शुरू किया, इंक्रीजिंग किसके लिए आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2√2 यूनियन 2√2 टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर लिखेंगे, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इज लेस देन 0। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, देखो अपना आंसर आना चाहिए लेस देन 0 के लिए निगेटिव रीजन रहता, तो निगेटिव रीजन दिख रहा है यहाँ, सो अपना आंसर आना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू एक ही नंबर लाइन पे दोनों आंसर हमेशा आते हैं -2√2 टू +2√2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये डिक्रीजिंग के लिए है, ये इंक्रीजिंग के लिए था। आई होप द आंसर इज क्लियर, सबको ध्यान में आ गया। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसा अजीब सा दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x2 प्लस 5। डिफरेंशिएट, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 12x3 माइनस 12x2 माइनस 24x। ओके, क्या कॉमन निकलता है इसमें से, 12 एक्स भी कॉमन निकलता है क्या, हाँ एक्स भी कॉमन निकलता है ना। ओके, 12x कॉमन निकला, कितना बचा, x2 माइनस एक्स माइनस 2। अब आगे चल के इसको लिखा 12 एक्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, बराबर लिखा ना, हाँ शायद। ओके, फॉर इंक्रीजिंग, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको पता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहता, सो 12x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। चिल्लर काम है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए कि नहीं अपने दिमाग में, क्या क्या है आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी एक है, माइनस 1 फिर है 0 फिर है 2, ओके, और प्लस इन्फिनिटी। प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन एंड देन जस्ट राइट इन दिस वे। सो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 4 रीजन आ जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा आएगा। अब आप लोगों को चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फिर से एक बार इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा ना, हाँ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 इधर आ रहा है, अपना आंसर क्या रहेगा फिर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, दो रीजन है। अब अपन लिखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0, यानी ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 आ जाएगा, अभी पूरा लिखता नहीं मैं यहाँ पे, ये लेस देन 0 आ जाएगा, यानी अपन
निगेटिव रीजन लेंगे कि नहीं, निगेटिव रीजन यानी ये दो रीजन है, तो अपना आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन जीरो टू टू। अच्छा हाँ, और एक बात अभी आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, यू कैंट यूज दिस एल्गोरिदम मेथड इन स्टेट बोर्ड, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हमेशा ये करते हैं कि लास्ट पेज पे ये मेथड लगा के आंसर निकाल लेते और फिर वो एल्गोरिदम मेथड यानी बिना दिखाए फाइनल आंसर तक के पहुंच के ऐसा बताते जैसे उन्होंने स्टेट बोर्ड मेथड से सॉल्व किया। स्टेट बोर्ड मेथड बहुत ईजी है, वो आपको मैडम अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी भी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो जेई नहीं पढ़ रहे लेकिन फिर भी एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स के लिए मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि आप ये ज़रूर मेथड यूज़ करके सीख लो, क्योंकि आप लोगों को अगर ये आगे चल के यूज़ करना पड़ा तो आप लास्ट पेज पे यूज़ करके यहाँ पे स्टेट बोर्ड की तरह बता के एकदम आंसर चुरा लोगे। ठीक है, ज़रूर ये मेथड यूज़ करो, ध्यान में रखो। नाउ आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर फोर एक्स प्लस कॉस टू द पावर फोर एक्स जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाय टू इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हुई ना बात, ऐसा ऐसा लेना है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर फोर एक्स प्लस कॉस टू द पावर फोर एक्स डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस फोर कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स फोर कॉमन साइन एक्स कॉमन कॉस एक्स कॉमन अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फोर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स रहता साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रहने वाला है माइनस कॉस टू एक्स सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखो मजा, इसमें टू को ब्रेक कर दिया फोर को यानी टू इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में कॉस टू एक्स। अब पूरा ये ऑटोमेटिक वाला काम है, माइनस टू टू साइन एक्स कॉस एक्स यानी क्या रहता है साइन टू एक्स और इंटू कॉस टू एक्स, यानी यहां पे जो वैल्यू आपको आ रही है टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स ये क्या है, दिस इज माइनस साइन फोर एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन फोर एक्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या रहने वाला है, देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन फोर एक्स एंड दैट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन जीरो, यानी साइन फोर एक्स क्या आ जाएगा, साइन फोर एक्स विल बी लेस देन जीरो। एक बार अपन जियो जेब्रा पे चलते हैं तो भी मैं यहाँ पे साइन फोर एक्स का प्लॉट कंसिडर कर और इधर अपन एक लेते एक्स इक्वल टू जीरो और एक लेते एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। एक काम करते इसका स्नैपशॉट लेते जियोजेब्रा का, तो भी ये स्नैपशॉट आपको दिख रहा होगा है ना, ये एक्चुअली साइन फोर एक्स ही कर्व है। अब ऑब्जर्व करो ये एक्चुअली ये जो रीजन है ये जीरो टू पाई बाय फोर का है और ये जो रीजन है बचा हुआ वो पाई बाय फोर टू पाई बाय टू है, ये एक्स की रेंज दी थी जीरो टू पाई बाय टू में, ये साइन कर्व साइन फोर एक्स। अब आपको चाहिए साइन फोर एक्स इज लेस देन जीरो, फिर इसमें इंक्रीजिंग पार्ट के लिए अगर आपको चाहिए साइन फोर एक्स इज लेस देन जीरो, तो इंक्रीजिंग पार्ट के लिए मुझे एक्चुअली नोटेशन वाइज चेंज करना पड़ेगा। इफ यू वांट फॉर द इंक्रीजिंग पार्ट साइन फोर एक्स इज लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो यानी वाई एक्सिस के नीचे आना चाहिए। अब ये लेस देन जीरो वाला पोर्शन है तो इसके लिए एक्स बिलोंग्स टू क्या है
एक्स बिलोंग्स टू है पाई बाय फोर टू पाई बाय टू ओपन इंटरवल। सर यहाँ तो क्लोज दिया है, उस पर जीरो होगा ना फिर, इसीलिए वो नहीं चलता अपने को, नहीं वो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो चाहिए। अब फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन जीरो आना चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो है यानी माइनस ऑफ साइन फोर एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स ये माइनस ऑफ साइन फोर एक्स था, ये लेस देन जीरो आना चाहिए। यानी साइन फोर एक्स क्या आ रहा है, साइन फोर एक्स आ रहा है ग्रेटर देन जीरो। ऑलरेडी वो रीजन रेडिंग से मैंने मार्क करके रखा है, यानी अपना रेंज क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय फोर। सो दैट इज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, है ना, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। राइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें ये साइन फोर एक्स कर्व बनानी कैसी, कि साइन फोर एक्स का टेंशन आता है ना लोगों को, तो जैसे ध्यान में रखना कि जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू दिया था, तो मुझे तो चाहिए पाई फोर एक्स करके, तो जीरो लेस देन फोर एक्स लेस देन टू पाई रहने वाला है यहाँ पे, तो ये अलग साफ सा दिख रहा है, टू पाई रहने वाला। अब जीरो लेस देन फोर एक्स लेस देन टू पाई रहा, तो टू पाई यानी कंप्लीट साइकिल रहती ना साइन कर्व की, तो फोर एक्स के लिए तो कंप्लीट साइकिल रहेगी, लेकिन फोर एक्स वेरिएबल थोड़ी है, वेरिएबल तो एक्स है, वेरिएबल ये एक्स है, इसलिए जब एक्स के अकॉर्डिंगली सोचोगे ये तो रहेगा जीरो। नाउ जस्ट आई एम राइटिंग दिस हियर टू सो एज टू एक्सप्लेन दिस, ये पाई है लेकिन ये पाई एक्चुअली किसके हिसाब से है, फोर एक्स के, ये टू पाई है किसके हिसाब के से, फोर एक्स के। अब इसके इक्विवेलेंट एक्स की वैल्यूज में लिखते जाता हूँ, सपोज यहाँ एक्स की वैल्यूज अपन लिखते, तो एक्स के लिए तो लास्ट पॉइंट पाई बाय टू है ना, एक्स के लिए लास्ट पॉइंट पाई बाय टू है, तो ये एक्चुअली पाई बाय टू था। फिर बीच की वैल्यू जो रहेगी यानी ये एक्स के हिसाब से पाई बाय फोर है ना, तो इसीलिए ये देखो यही तो अपन ने कंसिडर किया था, ये अपना नीचे का रीजन था, अपना आंसर था पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, दिस वन पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, और जो अपन ने रेडिंग से डिनोट किया था जीरो टू पाई बाय फोर वाला, वो अपना ये आंसर है जीरो टू पाई बाय फोर, दिस जीरो टू पाई बाय फोर ये। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये कर्व बनी कैसी है और जियोजेब्रा का प्लॉट कैसा आया था। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर हियर, लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सॉल्यूशन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स दिया, डिफरेंशिएट दिस, एफ डैश ऑफ एक्स वुड बी एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, सो एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर बेस पॉजिटिव है, पावर कुछ भी रहो, टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव है। अब कंप्लीटली पॉजिटिव होगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं। वन प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स लॉग एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन ई टू द पावर माइनस वन यानी वन बाय ई। ओके, सो एक्स इज ग्रेटर देन वन बाय ई आया, सो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो वन प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन, चलो ठीक है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वन बाय ई ऐसा लिख लिया मैंने। सो लेट्स प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी वन बाय ई प्लस इन्फिनिटी, राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, बट लुक एट अवर डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज स्पेसिफिकली फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए दिया है, सो आई नीड टू मार्क द पॉइंट एज ये ऐसा मार्क करेंगे ना अपन, यहाँ ये अपना जीरो है। अब जीरो टू इन्फिनिटी ही अपने को कंसिडर करना है, उसमें से ग्रेटर देन वन बाई ई के लिए
ग्रेटर देन वन बाई के लिए इंक्रीजिंग है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई के लिए इंक्रीजिंग है, यानी ये इंक्रीजिंग पार्ट आ गया। अपन बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू वन बाई ई टू इन्फिनिटी, एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाता है। तो उसके लिए आएगा अपना एक्स इज लेस देन वन बाई ई, सिर्फ इनइक्वालिटी साइन में चेंज होगा ना पूरा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इज लेस देन वन बाई ई, यानी अपना आंसर क्या आने वाला है, एक्स इज लेस देन वन बाई वाला यानी ये जीरो टू वन बाई। तो अपन बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन बाई ई, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं स्टेट बोर्ड वालों को स्पेसिफिकली, ये बहुत अच्छे से पोर्शन मैडम आपका कंप्लीट करा के दे सकते हैं, क्योंकि इसकी मेथड भी मैडम को अच्छे से पता है और वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, फॉर मी दिस इज द बेस्ट मेथड, एंड फॉर जेई स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो लीनियर इनइक्वालिटीज, उनको ये बहुत फास्ट सॉल्व होने वाला एक्सरसाइज। सो आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर हियर, आई हैव गिवन यू एन आइडिया, आई विल डिस्कस ऑल द डाउट्स, डोंट वरी। मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ आज, आप उसको सॉल्व करो, सबमिट करो। गुड बाय फॉर नाउ।